फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त पारुल त्यागी। आपके एंटरटेनमेंट में लगने वाला है तड़का, तो हो जाइए तैयार देखने के लिए। आलिया भट्ट मना रही हैं आज अपना 28वां जन्मदिन। रणबीर की बहन ने कैसे किया आलिया को बर्थडे विश। अयोध्या से किस फिल्म की होने वाली है शुरुआत। फुकरे फिल्म के दर्शकों के लिए एक बार फिर आई है गुड न्यूज। किस एक्ट्रेस के घर आने वाली है खुशियां, तो चलिए करते हैं शुरुआत। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्मों की दुनिया में कदम रखने वाली आलिया भट्ट आज अपना 28वां जन्मदिन मना रही हैं। आलिया ने हर फिल्म में लीक से हटकर किरदार निभाया है और यही वजह है कि आज लोग उनके दीवाने हैं। आलिया ने अपने छोटे से करियर में बॉलीवुड को कई शानदार हिट फिल्में दी हैं। हाल ही में उन्होंने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का किरदार सभी के साथ शेयर किया था, जिसमें आलिया के एक नए रूप और दमदार रोल की झलक दिखाई दी थी। आलिया फिल्मों में अचानक नहीं आई, बल्कि बहुत ही कम उम्र में उन्होंने ये जान लिया था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के लिए ही बनी है। ये तो अब हर कोई जानता है कि आलिया भट्ट कपूर खानदान की चहेती हैं, और अब जब आज आलिया का बर्थडे है तो कपूर खानदान कैसे पीछे रह सकता है आलिया को खास अंदाज में विश करने से। जी हां, रणवीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर ने आलिया को कुछ खास अंदाज में विश किया है। रिद्धिमा ने आलिया के साथ बिताए कुछ पलों को शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। इन फोटोज में रणवीर कपूर की मां नीतू कपूर भी दिखाई दे रही हैं, साथ ही आलिया की बहन शाहीन भट्ट भी तस्वीरों में हैं। एक और तस्वीर रिद्धिमा ने शेयर की है, जिसमें रणवीर कपूर, नीतू कपूर, आलिया, रिद्धिमा, शाहीन साथ में नजर आ रहे हैं। ये साल अक्षय कुमार के लिए काफी बिजी रहने वाला है। दरअसल इस साल अक्षय की कई फिल्मों की अनाउंसमेंट हुई है, जिसमें से कुछ की शूटिंग जारी है तो कुछ की शूटिंग शुरू होने वाली है। फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग के बाद अक्षय जल्द ही अपनी अगली फिल्म राम सेतु की तैयारी में लग जाएंगे। राम सेतु के मुहूर्त शॉट के लिए अक्षय 18 मार्च को डायरेक्टर अभिषेक शर्मा और क्रिएटिव प्रोड्यूसर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ अयोध्या जाएंगे। प्रोड्यूसर विक्रम मल्होत्रा ने फिल्म के प्लान के बारे में जिक्र करते हुए बताया है कि राम सेतु के लिए लोकेशन पर सख्त प्रोटोकॉल होंगे। ट्रैवल से लेकर बायो बबल्स, हेल्थ चेकअप्स और इन प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए भी प्रोफेशनल एजेंसी रखी जाएगी। फुकरे फिल्म दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय है। दर्शकों ने जितना प्यार इसके पहले पार्ट को दिया था, उतना ही प्यार दूसरे पार्ट को भी दिया। लेकिन अब फुकरे फिल्म सीरीज के फैंस के लिए खुशखबरी आई है। फिल्म के तीसरे पार्ट की शूटिंग भी शुरू हो गई है, यानी कुछ ही महीनों बाद फुकरे 3 भी आपको एंटरटेन करने के लिए हाजिर हो जाएगी। जी हाँ, पुलकित सम्राट, ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा, मनजोत सिंह की स्टारअप फिल्म फुकरे 3 की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म के कलाकारों ने सोशल मीडिया पर फिल्म के मुहूर्त पूजा की फोटो शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। पुलकित सम्राट ने लिखा, फुकरे 3 बहुत बहुत जल्द शुरू होने वाली है, आप सब प्यार भेजते रहिएगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस गीता बसरा और क्रिकेटर हरभजन सिंह जल्द ही दोबारा पेरेंट्स बनने वाले हैं। इस बात की जानकारी गीता बसरा ने एक क्यूट सी फोटो शेयर करके दी है। गीता बसरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की। इस फोटो में गीता बसरा का बेबी बम भी साफ नजर आ रहा है। तस्वीर में गीता के बगल में हरभजन सिंह खड़े हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही उनकी प्यारी सी बेटी ने हाथ में ब्लैक कलर की टी शर्ट पकड़ी हुई है। इस टी शर्ट पर लिखा है, जल्द ही बड़ी बहन बनने वाली हूँ। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए गीता बसरा ने लिखा, जल्द ही जुलाई 2021। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।